जिला निर्वाचन कार्यालय मंडी द्वारा शेरी मंच से मतदाताओं को जागरूक करने के उद्देश्य से हर वोट जीतेगा पर मैराथन का आयोजन किया गया। मैराथन में 3 आयु वर्गों जिसमें 18 वर्ष तक के युवाओं व युवतियों, 18 से 60 वर्ष और 60 वर्ष से ऊपर के व्यक्तियों के लिए दौड़ रखी गई थी। एसडीएम सदर सनी शर्मा ने हर वर्ग की मैराथन दौड़ को हरी झंडी देकर रवाना किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनावों के लिए मतदाताओं को जागरूक करने व ज्यादा से ज्यादा वोट डालने के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से जिला प्रशासन द्वारा एक महत्वपूर्ण व अनूठी पहल करते हुए जिला में सप्रेम अभियान चलाया गया है जो कि मतदान वाले दिन तक जारी रहेगा। उन्होंने मैराथन दौड़ में भाग लेने वाले धावकों के साथ साथ सहयोग के लिए नगर परिषद, व्यापार मंडल, युवा सेवा एवं खेल विभाग के प्रतिनिधियों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि सबके सहयोग से ये संपन्न हो चुका है। उपमंडलाधिकारी ने मैराथन के विजेताओं प्रतिभागियों को स्मृति चिन्ह, प्रशस्ति पत्र और नगर पुरस्कार देकर भी सम्मानित किया। इस अवसर पर कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद बीआर नेगी, स्वच्छता प्रभारी प्रदीप दीक्षित, व्यापार मंडल के प्रधान राजा महेंद्रू सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। साथ में हमारे कोच और जितनी हमारी पूरी टीम है, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और अंत में फिर से आह्वान करता हूँ कि हम सब लोग 19 मई को वोट जरूर डालें। धन्यवाद। हिमाचल की सियासत में हमीरपुर लोकसभा सीट बीसीसीआई के पूर्व अध्यक्ष अनुराग ठाकुर के सांसद होने के चलते खासी हॉट सीट मानी जा रही है, जहां से अनुराग ठाकुर चौथी बार चुनावी रण में है। अपने प्रचार अभियान के तहत बीजेपी उम्मीदवार ने कांग्रेस पर बड़ा हमला करते हुए राहुल गांधी के इशारे पर कांग्रेस नेता और वकील द्वारा सुप्रीम कोर्ट से बार बार तारीख लेकर राम मंदिर का मुद्दा लटकाने का आरोप लगाया है। उन्होंने अपने विरोधी कांग्रेस उम्मीदवार रामलाल ठाकुर द्वारा बीसीसीआई अध्यक्ष पद से हटाए जाने का कारण पूछे जाने पर मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस पर नशों को बढ़ावा देकर खेलों को समाप्त किए जाने का आरोप लगाया है। राम को अब पिछले दरवाजे से बाहर कर दिया है और धर्म के नाम का जो है राजनीति भाजपा कर रही है। कांग्रेस जैसी ओछी राजनीति कोई नहीं कर सकता। भगवान राम हमारे लिए आस्था की बात है। हमने लगातार राम मंदिर के पक्ष में बात कही है और मैं ये भी कह दूं, अगर राम मंदिर को रुकवाने का काम किसी ने किया है तो रामलाल जी को पता होना चाहिए कि इनकी पार्टी के वरिष्ठ नेता ने राहुल गांधी जी के निर्देश पर तारीख पे तारीख कांग्रेस के नेताओं ने कोर्ट में ली है और राम मंदिर को रुकवाया है। हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी रामलाल ठाकुर ने अपने प्रचार अभियान तेज कर दिया है और प्रचार अभियान के दौरान पहली बार हमीरपुर पहुंचने पर बीजेपी पर वे जमकर हमला बोला। भोटा कस्बे में पहुंचे रामलाल ठाकुर का कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। रामलाल ठाकुर ने भोटा शिव मंदिर में माथा टेक कर आशीर्वाद लिया। रामलाल ठाकुर ने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस उम्मीदवार की घोषणा पर भाजपा टिप्पणी ना करे, क्योंकि बीजेपी की तरह कांग्रेस के 14 चूल्हे नहीं बल्कि केवल एक ही चूल्हा है। बीजेपी के मैनिफेस्टो पर रामलाल ठाकुर ने कहा कि कई चुनावों में बीजेपी ने राम मंदिर मुद्दे पर लड़ने और धारा 370-35A को लेकर भी बीजेपी ने हमेशा लोगों को गुमराह किया है। ठाकुर ने कहा कि बीजेपी का चुनावी घोषणा पत्र बहुत बड़ा छलावा है, क्योंकि पिछली बार के वायदे आज तक पूरे नहीं हुए हैं। कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार की घोषणा पर बीजेपी को खुश होना चाहिए। रामलाल ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार चयन आंतरिक मामला था, लेकिन बीजेपी बार बार इस पर टिप्पणी कर रही थी जो कि उसका अधिकार क्षेत्र नहीं है। उन्होंने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस में केवल एक चूल्हा है बल्कि बीजेपी में 14 चूल्हे हैं।
सांसद अनुराग ठाकुर को कांग्रेस प्रत्याशी रामलाल ठाकुर ने नसीहत देते हुए कहा कि हद में रहकर वे बयानबाजी करें, क्योंकि झूठ बोलकर किसी का भला नहीं होता है। उन्होंने कहा कि नशे का कारोबार कब बढ़ा इसका सभी को पता है, लेकिन अनुराग ठाकुर से उन्होंने पूछा कि बिना खेल ही कैसे वे क्रिकेट टीम के कप्तान बन गए और HPCA के अध्यक्ष के साथ क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के चेयरमैनशिप से किसने उन्हें निकाला, ये जनता जानती है। ठाकुर ने कहा कि इस बार मुकाबला रामलाल ठाकुर और पूर्व CM धूमल के बेटे के बीच में है और अब लोग जानते हैं कि किसने क्या किया है, इसलिए अनुराग ठाकुर बोलने से पहले अपने चारपाई के नीचे झाड़ू मार लें। रामलाल ठाकुर ने कहा कि अनुराग ठाकुर के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में जाकर माफीनामा देकर बाहर होना पड़ा था, इससे प्रदेश की नाक कटी थी। उन्होंने कहा कि अनुराग ठाकुर ने झूठा हलफनामा देने के बाद सुप्रीम कोर्ट में गलती मानी थी, इसका जवाब भी उनको जनता को देना चाहिए। ये जो सुप्रीम कोर्ट में केस जाके माफी मांग के जो है वो बाहर होना पड़ा, ये मैं कहूँगा उससे हमीरपुर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी का जो है वो मैं कहूँगा कि नाक कटी है, कि हमारा चुना हुआ जो मेंबर पार्लियामेंट है वो क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड में भी गड़बड़ कर रहा है। वो जाके जो है वो लोडा कमीशन की रिपोर्ट के बाद बयान हल्फी दिया, उन्होंने झूठा बयान दिया, बयान हल्फी भी झूठा दिया और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में माफी मांगनी पड़ी उनको कि मेरे से गलती हो गई थी, तब वो केस से बाहर हुए, उसका जवाब दे दीजिए।